का वेट करते हैं, एक बार सभी लोग आ जाएं तो उसके बाद करेंगे आज की कहानी की शुरुआत। और कहानी की शुरुआत बहुत ही अच्छे से और बहुत ही यादगार करेंगे। चलिए, वेलकम शुभम एसीबी, वेलकम 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 अजय रावत। चलिए सारे बच्चों को आने देते हैं। रांझा, जगदीश, सबका स्वागत है। गुलवेज, मेरी वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है? एक बार रिप्लाई कर दो सारे बच्चे। सारे लोग आ जाएं तो फिर चल निकलेंगे आगे को, मोहब्बत एसएससी एसएससी को पाने के लिए। चलिए 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 चलिए, सभी लोगों के जुड़ जाएं, और जो जुड़ जाएं तो एक बार खामोशी से सीट ले लो, एक रब सीट उठा लो, ज्यादा कुछ उठाने की जरूरत है नहीं। और टाइटल सबको नजर ही आ रहा होगा, सीपीओ 2019। अभी अभी रिसेंट में पेपर हुआ था, और मैं बता दूंगा कि क्या रीजनिंग में चेंजेज हो रहे। अभी नवंबर 19 में पेपर हुआ था, ठीक है? नहीं, एनालॉजी के दिस ईयर के क्वेश्चन है शुभम। अच्छा, ये सीता बिलेनियर का, इसका जो बच्चा है उसका मुझे मैसेज भी आया था मेरी प्रोफाइल पे, आई थिंक। ठीक है, नवंबर अभी जो हुआ था ना उसके क्वेश्चन है, ये इसलिए लेके आया हूँ कि ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। बिल्कुल फर्स्ट शो है तो रांझा जो भी है, तो कोई नहीं, आपका फर्स्ट शो है तो रुकिए, शो को यादगार बनाइए, और 1 घंटा रुक के पहचानिए कि हाँ वाकई कुछ यादगार जैसी चीजें हैं या खाली मजाक कर रहे थे, लास्ट में बताना मुझे। चलो, किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो बताइए। एनी क्वेरी यू कैन पोस्ट, आई विल आंसर। स्टडी रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी है, एसएससी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड? वेलकम अमन, हेलो पूर्वी, कैसे हैं बच्चे, आ गए ऑफिस से? कोई भी क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड जल्दी जल्दी पोस्ट करो, पहले 2 मिनट आपके पास है। वेलकम सुमुख, हेलो। चलिए चलिए चलिए, वेल डन, आ गए ऑफिस से तो चलिए ठीक है। तो होता होगा, बड़ी थकान सी तो रहती होगी, फिर भी आप इतना कर रहे हैं। पंकज ध्यानी, वेलकम, नमस्कार। चलिए, और बताइए किसी बच्चे को कोई क्वेरी है तो जल्दी जल्दी क्वेरी पोस्ट कर दीजिए बच्चों। 2 मिनट में सारे बच्चे जुड़ जाएंगे ना, एक साथ शुरू करना अच्छा रहता है वाली बात है, दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग, अदरवाइज ऐसी कोई भी बात नहीं थी। ठीक है, और जिस जिसका फर्स्ट शो है ना उसको मैं बता दूं कि आज के बाद जितनी एनालॉजी मैं करा दूं, एक सेशन में और करा दूंगा आपको क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, उससे ज्यादा जरूरत नहीं। वेलकम श्वेता, श्वेता बैंक प्लेटफॉर्म से। चलिए यार, ये बच्चे भी जुड़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपके सबके नाम याद हो जाते, चाहे आपने एक बार भी मुझे मैसेज किया हो ना। श्वेता अभी अभी, हेलो, क्यों, आई एम राइट श्वेता? कल से नहीं होगा, 4-5 तारीख से होगा। हेलो बच्चे, कैसे हैं? मुस्कान, वेलकम। चलिए चलिए भी शुरुआत कर देते हैं, ठीक है, क्या टाइम काहे वेस्ट करना है, शुरुआत कर देते हैं। वे वहां बिल्कुल मुस्कान की पहली क्लास है, सबके चेहरे पे मुस्कान है। देखो एनालॉजी मैं बता देता हूं कि क्या बातें हो रही हैं, स्पेशल सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, चाहे जो पहली बार कनेक्ट हो रहा है, जो बार बार। देखो मैंने वादा किया था कि आपसे इस मंथ में कि स्पेशल सेशन में एनालॉजी कराऊंगा, तो मैंने एनालॉजी के 3 स्पेशल सेशन तो लॉन्च कर दिए हैं, और आज का जो स्पेशल सेशन है, और नंबर सीरीज के भी 2 हो चुके हैं। ठीक है, ये तो रही बात, जो बच्चे पहली बार आएंगे वो इनको देख लेना, प्रोफाइल पे मिलेंगे, चाहे आप फ्री प्लेटफॉर्म पे हैं चाहे प्लस पे। आज की क्लासेस ना एसएससी सीपीओ, ठीक है, एसएससी सीपीओ जो अभी नवंबर 2019 में हुआ था, उसके 2 सिपके में क्वेश्चन लाया हूं, ज्यादा नहीं, 2 ही सिपके क्वेश्चन से पता चल जाता है कि वेटेज कितना है वाली बात है ना। आपको एक चीज और बताता हूँ, केवल और केवल, वेलकम टीएस, टीएस पहले भी कनेक्ट हुए, केवल एनालॉजी से ना 20-30% क्वेश्चन आते हैं। अगर यहां पर सीपीओ अगर 50 मार्क्स का है, तो यहां से 10 से 15 क्वेश्चन आपके एनालॉजी से रहेंगे ही रहेंगे, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। किसी बच्चे ने दिया हो तो बढ़िया है, नहीं दिया है तो। और एक बात बोलता हूँ, एसएससी सीजल वाले लड़कों के लिए ये क्या होता था ना, जो सीजल को टारगेट करते थे ये इनके लिए सेमीफाइनल होता था। हमारे टाइम पर जो भी हमारा सर्कल था वो लोग इसको सेमीफाइनल की तरह खेलते थे, या कह लो कि फाइनल से पहले एक ऐसा फाइनल ना जो सेम पिच पे हो रहा, सेमीफाइनल भी मत को, फाइनल से पहले वो फाइनल जो सेम पिच पे खेला जा रहा, लगभग लगभग सेम कंडीशन में खेला जा रहा, इसलिए ठीक है। और इससे रेलवे में भी अच्छा खासा वेटेज रहता है, क्वार्टर फाइनल भी नहीं कहूं मैं, तेरा फाइनल ही है,
मतलब फाइनल की तरह ही खेलना है, बस वो बात क्या है ना कि फाइनल की हूबहु सारी सर्कमस्टेंसेस सेम है, ऑल है सारी बातें। चलिए किसी बच्चे को कोई क्वेरी है तो जल्दी, लास्ट 30 सेकंड यू हैव, लास्ट 30 सेकंड प्री फाइनल कह लीजिए, जल्दी आंसर दीजिए। एलिमिनेटर भी नहीं है, एलिमिनेट भी नहीं होते ना फाइनल में, तो आना ही आना है, सीजल तो देना ही देना है, तो इसलिए तो कुछ नहीं कर रहा हूँ सेमीफाइनल एलिमिनेटर। चलो कोई क्वेरी है, चलिए तो वेलकम सभी को, दिस इज स्पेशल सेशन नंबर 4। नहीं, नेक्स्ट 4 to 5 जो प्लस वाले बच्चे हैं मेरी बात सुना, 4-5 फेब को मैं अपनी कंडीशन जो भी है वो ओके हो जाएगी और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा मेरा नेक्स्ट कोर्स का, लेकिन अभी 2-3 दिन कोई क्लास नहीं है, ठीक है सुमुख। तो चलिए वेलकम सभी बच्चों का, देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार। किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगले 1 घंटे एक पेन एक सीट लेके बैठ जाइए और ये 35 to 40 क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो करें, आर यू रेडी गाइस, एक बार लाइक या यस बटन दबा दीजिए, जो जो रेडी है वाई दबा दीजिए, देखते हैं स्क्रीन पर कितने वाई आते हैं, डू फास्ट, पता तो चले कितने रेडी हैं, कितने सुस्त हैं, कितने तेज हैं, समझ में आ जाएगा कि हाँ रेडी हैं वाकई, तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि हाँ अब अपन लोग इतने लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अभी जो आज वाली शिफ्ट में है 9 तारीख के 9 नवंबर का जो पेपर है फर्स्ट शिफ्ट के, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, पोल में शुरू कर रहा हूँ, डू फास्ट गाइज, पोल में पार्टिसिपेट कीजिएगा, वेलकम सभी बच्चों का, पोल में पार्टिसिपेट कीजिएगा सारे बच्चे, डू फास्ट सारे, और जब शांत होके बैठना, हाँ बाकी बाकी क्वेश्चन को दोबारा देखिए और शांत होके बैठिए। वेलकम विशाल, डू फास्ट गाइज, अभी मैं इसको और क्वेश्चन में, जैसे इसमें 1 मिनट दिया था क्योंकि क्वेश्चन बड़ा सा है, अदरवाइज नहीं देता वाली बात है, ठीक है। वेलकम संदीप, डू 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 फास्ट फाइज गाइज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। द करेक्ट आंसर इज बी, द करेक्ट आंसर इज बी एंड 67% गाइस गिव द करेक्ट आंसर। तो चलिए ये देखिए है क्या ना, QMDF और यहां पर QMDF क्या हुआ था, रिवर्स हुआ था स्टार्टिंग में, तो HELI है तो ILEH, ILEH यहां भी है, ILEH यहां भी है, ILEH यहां भी है, दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। देन बीच में देखिए, ठीक है, फिर ये वाली बात है, ई के साथ वी, एम टी का वैकेंट, राइट अपोजिट है, तो ऑफ के साथ क्या आता है, लाइट आता है, तो यानी यहां से बनेगा क्या आपका लाइट, बना नहीं बना, तो लाइट बनते ही अदर टू ऑप्शन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, यहां पर ये भी एलिमिनेट हुआ, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, यहां से आगे चेक नहीं किया, वरना आप कह सकते हैं सर ये एच के एन जे, यहां पर रिवर्स कर दिया था एच के एन जे, तो यहां पर भी हो जाएगा आर ई टी पी, आर ई टी पी ये हो जाएगा, क्लियर है, ऑल ओके है, किसी बच्चे को कोई डाउट, ठीक है। तो चलिए रिप्लाई कीजिए डोर का, डू फास्ट कमेंट सेक्शन में आ जाइए सारे बच्चे, केवल कमेंट में आ जाइए और मेरी आवाज सुनकर रिप्लाई कीजिए, डोर केवल फर्स्ट लेटर टाइप कर दीजिएगा, ताकि दिक्कत नहीं है, पूरा मत लिखिएगा, डोर का विंडो, ठीक है, केवल फर्स्ट टाइप कीजिएगा और कुछ नहीं करने का, ठीक है। फेयर का केवल फर्स्ट लेटर टाइप कीजिए, मैं समझ जाऊंगा, डू फास्ट अनफेयर। सी का क्रिसमस एक्स, ठीक है, कुलदीप पपने कूल, फटाफट फटाफट, जैक जैक का क्वीन, ठीक है, मॉर्निंग डुफास गए, ज्यादा मैं रुकूंगा भी नहीं बाकी बच्चों के कमेंट के लिए, ठीक है, जिसको नहीं है तो कोई दिक्कत वाली भी बात नहीं, ठीक है। मॉर्निंग का नाइट, गिव
वेलकम शिवानी, हाउ आर यू? हिमानी अधिकारी वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका। गिव का टेक, हाई एल नहीं होता रे शुभम, हाई का स्कूल, ठीक है। इंडियन इंडियन रेलवे, कूल 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 कूल। फेयर अनफेयर, एम्प्टी वैकेंट, ठीक है। एम्प्टी का वैकेंट मैंने यहाँ बोल ही दिया था। देखो रिवर्स को ना माइंड में इतना ही माइंडसेट बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जैसे यहाँ पर था सर ई का वी, एम्प्टी वैकेंट था और मुझे ऑफ नजर आया तो मैंने कहा लाइट, और जैसे ही मैंने लाइट कहा तो यहाँ पर ओ भी नहीं था, ये भी एलिमिनेट हो रहा था और वो पहले एलिमिनेट था, तो आपका यही ऑप्शन बचा था वाली बात, ठीक है। शुभम अब जो मैंने तीन सेशन करा दिए ना मेरे बच्चे, उन तीन सेशन में से किसी ना किसी में कराया होगा स्पेशल सेशन में, ठीक है ठीक है। हाँ सेकंड में कराया होगा क्योंकि तो मुझे ध्यान में नहीं रहता बहुत क्लासेस के बाद। और चलिए ये हो गया, तो एक चीजें और बताइए, बस दो तीन चीजें पूछूंगा और बाकी बच्चों को मोटिवेशन मिलना चाहिए, ठीक है। हाँ शिवानी बिल्कुल, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जहां तक मेरी मैनेजमेंट से बात हुई है, जितने भी प्लस वाले बच्चे हैं, एक मैसेज आप लोगों के लिए है कि उन्होंने बोला कि फेब 3-4 तक मेरे से अभी कल सैटरडे संडे ऑफ है, तो मैं 5 फेब के अराउंड मेरा कोर्स लॉन्च हो जाएगा, और अगर इनकेस आपको कोई क्वेरी होगी तो आप इस पर क्वेरी कर सकते हैं, प्लस वाले जो भी बच्चे हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट कोर्स के रिगार्डिंग, या तो हिमकुल क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगा, या इससे क्वेरी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डू फास्ट गाइस। वेलकम पायल साहू, दो दो आंसर दीजिए। अब यहां पर एक दिक्कत क्या आएगी, आपको बोला गया होगा बहुत बार, चलो बाकी भी दीजिए आंसर, कि क्वांट इंप्रूव कर लीजिए, ठीक है, इंग्लिश इंप्रूव कीजिए, तो रीजनिंग अपने आप इंप्रूव होगी, ऐसी बातें बोली होंगी। और आज मैंने और बातें जो है प्लस वाले जब आपसे पूछूंगा तो आप क्या क्या ऐसा कहा था, तो आप जवाब देंगे, क्योंकि दो तीन क्वेश्चन में वेरीफाई करवाऊंगा अपने अप्रोचेस, ठीक है। हाँ ग्रीडी मीन्स क्या होता है, लालची, ठीक है। ग्रीडी मीन्स क्या होता है, लालची होता है बच्चों, और जेनरस मीन्स क्या होता है, यानी अपोजिट है, यू कैन से अपोजिट इन मीनिंग, ठीक है, अपोजिट इन मीनिंग। विंडिक्टिव मीन्स क्या होता है, ठीक है, दिस इज इन नेगेटिव इन मीनिंग, आप इतना समझ रहे, विध्वंसक टाइप, ठीक है, कि नेगेटिव मीनिंग में है, तो इसका जो अपोजिट होगा ना बच्चे, वो अपोजिट होगा आपका मर्सीफुल, दयावान, मर्सीफुल इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ठीक है, मीनिंग, अब एक चीज ये ध्यान में रखिएगा कि अगर ये इंग्लिश वर्ड आते हैं तब आपको एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसको आपको वकैब को अच्छी बना लीजिएगा, क्योंकि होता कैसे है, इसकी जो मीनिंग आती है वो हिंदी में भी इंग्लिश में ही लिखी रहती है, ठीक हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट आंसर दीजिए फटाफट बच्चे। फटाफट आंसर मार्क कीजिए फटाफट, ओनली, क्या बात है, किसी के भी आंसर करेक्ट आने को तैयार नहीं है। हम लोग आरकेटी कहते थे रानीखेत को, कि ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, ठीक है, देखते हैं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर हो सकता है मार्क गलत हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। ये क्या है, ये सर 1 है और ये 6 है, तो होना चाहिए सर प्लस 5, ठीक है। ये क्या है सर, ये 15 है और ये 21 है, तो यहां पर है सर प्लस 6, ठीक है। और ये क्या है, 5 है और ये 10 है, तो यहां पर क्या है सर प्लस 5, प्लस 5 6 5 हो रहा है, तो ये 18 है, 18 में 5 करोगे 23, तो 23 तो बच्चों आपका आएगा W, ठीक है। उसके बाद 6 है, 11 में 6 17,
तो ये हो जाएगा 17 आ जाएगा Q, ठीक है। और T है 20 में 5 करोगे तो इसका होगा WQY, WQY पोल में गलत मार्क हुआ था, इसको इग्नोर मत कर दीजिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ए, जिन बच्चों ने ए मार्क किया था आप सबके आंसर क्या है बच्चों, सही है, ठीक है, क्लियर है। अरे 100 रुपए चैलेंज वाली बात भी तो होगी कि SSC को चैलेंज करना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है, मुझसे मार्क गलत हो गया था, ठीक है, आपको चैलेंज नहीं करना पड़ा, ठीक है, कूल, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक हो गया, यहां तक किसी को क्लियर। अब देखो इन चीजों के लिए नंबरिंग याद होने से एक्यूरेसी आएगी, नंबरिंग याद होने के बाद ही ये क्वेश्चन जल्दी होगा, ठीक है। नंबरिंग बता दीजिए, 12 किसका होता है, डू फास्ट, 5, 3, 3 आंसर, जब फर्स्ट 3 आंसर आएंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा वो बाकियों को दिखाने के लिए कि हाँ है, ठीक हो गया। एल उसके बाद 18 क्या होता है, एक बार स्क्रीन पर आने चाहिए, हाँ ये गुड सर। 10 क्या होता है, बाकी बच्चों को ये समझ में आ जाएगी, हमारा कंपटीशन इन लोगों से है, जे। और जी का क्या होता है, सेवन, ठीक है। टी का क्या होता है, 20। देखो ये चीजें ना याद होनी ही चाहिए वाली बात है, इससे नीचे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है आप लोगों से, ठीक हो गया, क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई भी बच्चा अगर प्लस ज्वाइन करना चाह रहा हो तो इस रेफरल कोड से कर लीजिएगा, या इससे पहले टेलीग्राम ग्रुप पे जाके मुझे मैसेज पिन कर दीजिएगा, कल से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हिमकुल क्लासेस 18 के रेफरल कोड का। और जो प्लस में बच्चे उनका कोई फ्रेंड ज्वाइन करे तो उससे भी बोलेंगे इसी से ज्वाइन करें, 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको किसी भी कोर्स पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, डू फास्ट गाइज, कीजिए 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 कीजिए, ठीक है। चलिए ओनली 26% स्टूडेंट गेव द करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हील का स्पोक, व्हील में स्पोक और हाउस में रूम, व्हील में स्पोक्स एंड हाउस में रूम, तो करेक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन इस बार के सीपीओ के हैं, आप नियर बाय ऑप्शंस को देखिएगा कि नियर बाय ऑप्शन आपको कैसे करेगा कंफ्यूज, तो उस चीज को भी समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डू फास्ट गाइस, इसका तो सबका अच्छा आना चाहिए यार, ठीक है, इसका तो किसी के से भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए, 100% ही मिलना चाहिए, ठीक है। अभी भी 100% चल रहा है पोल गोल, चलिए 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 उम्मीद करते, चलो अब कुछ लोगों ने सी कह दिया है, ठीक हो गया। ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया, कीजिए कीजिए मुस्कान, आराम से पोल में पार्टिसिपेट करना बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और आराम से बैठ के आराम से क्वेश्चन कीजिए, आप देखिएगा सारे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, कैसे क्या क्वेश्चन हो रहे हैं, वो सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। बस आराम से धैर्य पूर्वक समझो ये सारे, इस बार के अभी ये रिसेंट के, पता है इनसे फायदा क्या है, इससे ना ये अभी नवंबर के क्वेश्चन है सारे ही, हाँ, और नवंबर के क्वेश्चन है, नहीं ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो अभी एग्जामिनर नवंबर में सेट कर रहे होंगे, जो टीम रही होगी उस टीम की 80% सेम टीम ही SSC CGL को डिजाइन कर रही होगी, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। कटप्पा हिंदी से ज्यादा हिंदी में इजी हो जाएगा लेकिन नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन हाईफाई नहीं आते, इसलिए रीजनिंग का टारगेट आप लोगों को, जैसे कि इसके सुमुख की बात का जवाब है, रीजनिंग का टारगेट बच्चे ये और इसके बीच का टारगेट है, इससे नीचे का टारगेट है भी नहीं फिर, क्योंकि 40 मार्क्स सब लेके आते हैं, एक बार सुन लो सारे नॉर्मल प्लेटफॉर्म के बच्चे भी, देखो 40 मार्क्स लाना रीजनिंग में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 40-42 मार्क्स लाना, अगर रीजनिंग में इतने लाओगे ना तभी आप एक लीग से साइड हटोगे, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए एक दो क्वेश्चन का ध्यान रखा जाता है कटप्पा, क्योंकि कई बार ऐसा होने लगा है कि पेपर इंग्लिश में बनता है और हिंदी ट्रांसलेशन भी सेम यही आएगा,
इंग्लिश की मीनिंग्स को ही बस हिंदी में ट्रांसलेट मारा जाता है। 45 में मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं तो इस टारगेट के नीचे बच्चों आपको कभी टारगेट नहीं दूंगा, और 50 का टारगेट ही है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल पीडीएफ मिल जाती है वैसे भी स्पेशल किसी भी सेशन को आप बाद में, वहां पर सेटिंग का ऑप्शन आता है बच्चे, और सेटिंग में दोनों पीडीएफ मिल जाती है, एक बिना आंसर की एक आंसर वाली। टेंशन क्यों ले रहे हो, ये टारगेट है मार्क्स के नाम पर। हाँ, एक क्वेश्चन अगर दिन खराब होने से गलत होता है या लॉजिक नहीं लगता है तो वो इतने नंबर कटते हैं या दो नंबर कटते हैं वाली बात है, ठीक है। और आप इसलिए भी भरोसा करो, आई स्कोर 4 to 5 times 40 इधर 47.5 और 50 आउट ऑफ 15 एसएससी एग्जाम इन 17 and 18, ठीक है। तो आप इसलिए आराम से ट्रस्ट करो, जितनी बातें बताऊंगा उतने पे ट्रस्ट कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं, कटप्पा जो आ गया आपकी, आगे चलते हैं। बैलेट कोरियोग्राफर डिजाइनर इसका, और क्लोथ के लिए कौन है, मैन्युफैक्चरर जो है कौन है, टेलर है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका टेलर, ठीक हो गया। चलिए ऑड मैन आउट, ऑप्शन 6 ऑड मैन आउट करके दिखाइए। मैं आपको एक बात, ऑड मैन में क्या होता है, आपको 3 को सिमिलर देखना होता है, 3 सिमिलर होंगे और 1 को अलग कहना होगा, बिल्कुल। तरुण अभी तो फ्री सेशन में कराऊंगा, प्लस में तो मेरे कोर्स चले रहे हैं, जितना हो पाएगा फ्री सेशन में भी कराऊंगा मेरे भाई, ठीक है, वादा रहा, एनालॉजी तो पूरी करा दी है, ठीक है। आप देखना मेरे प्रोफाइल पे जाके मिल जाएगा मेरे बच्चे, और प्लस में आ जाओ, प्लस में तो सारा कोर्स, क्योंकि वहां पर ज्यादा क्लासेस होती है तो वहां तो चल ही रहा है बच्चे क्वांट का। दीजिए 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 फटाफट दीजिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी। अब देखिए पैटर्न फाइंड कीजिए, पैटर्न क्या है, आप लोग होता क्या, 3 में सिमिलरिटी देखना, एक अपने आप अलग हो जाएगा, इसका नंबर है 2, 5, 8, 11, नंबर है 7, 10, 13, 17, ये है 13, देखो कितनी फ्रीक्वेंट लिख रहा हूं, हाँ 16, 19, 22, 18, 21 24 and 27 कह सकता हूं, या 27 को ब्रैकेट में 1 लिख रहा हूं। तो है क्या सर, देखो 2, 5, 8, 11 plus 3 खुद ब खुद यहीं पर ही समझ में आ गया था कि ये प्लस 4 है तो पैटर्न बिगड़ रहा है। तो आगे एक और चेक किया, 13, 16, 19, 22 जब मैंने यहां तक चेक कर लिया था ना 3 तक, तो चौथे आने की जरूरत नहीं थी, मैं सीधे सीधे कह सकता था कि ऑप्शन बी क्या है, गलत है, ठीक है। क्लियर है सारे बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं है, केवल केवल नंबरिंग का गेम है, ठीक है। किसी को कोई क्वेरी आएगी तो पूछ लेना, और नंबरिंग जिसको याद नहीं होगी वो नंबरिंग याद कर लेना, ढंग से वाली बात है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए डू फास्ट। ये वो इंसान कौन है जो पोल आते ही आंसर मार्क कर रहा है और गलत मार्क कर रहा है, मैं उसका चेहरा देखना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में हेलो कह दो एक बार, बहुत देर से एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि वो आता है और सीधे गलत आंसर मार्क करता है, या तो अलग अलग हो सकते हैं या वो एक ही हो सकता है कि जिसको मार्क करना है, ये ना ना सर ने तो कहा है तो मार्क कर ही लूंगा। BRIDGE ब्रिज है, और यहां पर 6 से 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये क्वेश्चन लगभग लगभग 15 to 20 times लास्ट 10 ईयर में पूछा गया होगा सेम पैटर्न का। तो 6 से डबल हुआ है, तो ये होता क्या है, ये 20 है, तो ये बी है, तो बी का बीच का यानी एक आगे एक पीछे ए सी, आर है तो आर के जस्ट एक पीछे -1 और +1 क्यू और एस, इसी तरीके से पूरी सीक्वेंस बनी है। तो आपको पावर कहा है ना, पावर कहा है तो ऑप्शन देखेंगे, पी से पहले क्या आता है, ओ क्यू, ओ क्यू कहां है, सब में है, ठीक है। दूसरा ओ क्यू देखते ही मैंने देखा एनपी, एनपी एनपी में देख ही नहीं रहा हूं, हाँ मैं अब आगे देख ही नहीं रहा हूं, मैंने ये कर लिया, फिर क्या वी एक्स वी डब्ल्यू एक्स वी डब्ल्यू एक्स, अच्छा एक्स भी तो होगा नहीं, ये भी कैंसिल, ठीक है वी एक्स भी सही है। फिर देखो ई एफ तो कंटिन्यू में होगा नहीं, गैप है तो डी ई एफ, क्योंकि ई के एक पहले का आया होगा एक, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो रहा है, मैंने ऊपर देखा ही नहीं है, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। हाँ अगर मैं वैसे देखता तो यहां पर एन आ जाना था, यहां पर पी आ जाना था, ठीक है।
यहां पर वी आ जाना था, यहां पर एक्स आ जाना था, यहां पर क्या डी आ जाना था, और यहां पर एफ आ जाना था, यहां पर क्यू आना था, तो यहां पर एस आना था। ये आपका आंसर बनना था। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? ठीक है, ऑल ओके? किसी को कोई डाउट है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, जब नंबर आपके क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, तो एक पहला और एक आगा जस्ट माइनस वन और प्लस वन वाले टर्म से बनाया जाता है। ठीक है, माइंड में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, और हमेशा ना ऑड वन में आप क्या कीजिएगा, तीन को एक करना, हाँ थ्री को इक्वल करना और एक को अलग हटाना। ठीक है, डू फास्ट। कोई भी कमेंट में मेंशन मत करो ना, आराम से वहां पर मेंशन करो, पोल में नजर भी लग सकती है। राजा नजर से बचो। ठीक है ऑड वन है ना, ऑड वन आता है, और ऑड वन का जो चैप्टर है वो एनालॉजी ही है, ऑड वन क्लासिफिकेशन करके आता है, लेकिन इसको एनालॉजी क्या, तीन एक, रॉकेट, प्लेनेट, गैलेक्सी, स्टार, इतना तो समय आया होगा। ये तीनों टर्म एक जैसे हैं, प्लेनेट कह लीजिए, स्टार कह लीजिए, गैलेक्सीज कह लीजिए, एक टाइप के टर्म है, तो ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, रॉकेट ही क्या होगा आपका, ऑड होगा, तो तीनों को एक करना है, थ्री को सेम करना है हमेशा, यहां पे नहीं बाकी क्वेश्चन में भी, तो चौथा अपने आप बाय डिफॉल्ट क्या होगा, एलिमिनेट होगा। तो यहां पर आपका आंसर है क्या, रॉकेट। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए, मैंने कहा था ना, एक है कोई कि जो पहला आंसर गलत देता है, वो है, वो अस्तित्व में है बिल्कुल अब भी। ठीक है, उसने अभी भी किया है वो काम, गुड मेरे भाई। वेलकम विनय। अरे बड़ा अच्छा लगता है यार, आप यहाँ पर आंसर मेंशन करो, आपको तो टेंशन भी नहीं होने की, गलत आएगा तो क्या होगा, कोई नहीं देख रहा है, गलत आएगा तो चुपचाप सीख ले रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस का बहुत फायदा है। ठीक है, अब क्या है ना, ये प्योरली, ये क्वेश्चन मैं कहूंगा प्योरली जिसने अपनी क्वांट स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना, जो कैलकुलेशन, ठीक है, उसके लिए देखो यार, एक बार प्लस वाले ध्यान देना, हाँ 20 टेबल तक की टेबल बाय हार्ट लर्न करने को कहा होगा, ऑफलाइन सेंटर में भी और ऑनलाइन सेंटर में भी, और लर्न करने की बात ये भी कही होगी कि आपसे जैसे 19.6 कहो तो 1, 2, 3, 4 नहीं करोगे, डायरेक्ट कहने चाहिए 19.6, 79 या 16x9 डायरेक्ट कहना है। तो ये देखो ना, वो समझ में आता है, ये 19x4 है और ये 19x9 है, यानी किसी का 4 और किसी का 9 होना चाहिए मल्टीपल में। तो देखो 7 चक्को 28, 7 9 63, सी इज दी करेक्ट आंसर। क्यों सर, किसी का फोर्थ मल्टीपल और उसी का क्या चाहिए सर, 9th मल्टीपल चाहिए, हाँ, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये आंसर सही है। क्लियर है? वेलकम पायल और आनंद। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, देखो मैंने जो, मैं तुम्हें छोटी छोटी बातें भी जो कह रहा हूं ना, मैं सच में बहुत पर्सनली कह सकता हूं कि वो चीजें इंप्लीमेंट करके देखता हूं, और देखने के बाद ये चीजें रियलाइज करने के बाद ही तुम लोगों से कह रहा हूं कि हाँ ये चीज मस्ट होना चाहिए, ये चीज मस्ट होना चाहिए। ठीक है, और जो मस्ट होना चाहिए मैं कह दूं, एक बात याद रखिएगा, ठीक है, जो चीज अगर आप देखो यार, ये तो मानना ना मानना तो हर बच्चे का अपने मन का है, जिस चीज के आगे मैं मस्ट लगा दूं ना, उसको आप बाय डिफॉल्ट ये मान लेना कि ये सक्सेस के लिए, मैं बाकी फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, ये SSC का एग्जाम CGL क्रैक करने के लिए, CPO क्रैक करने के लिए, या CHSL क्रैक करने के लिए, मस्ट का मतलब ये चाहिए ही चाहिए, अगर आसानी से मंजिल तक जाना है तो। इस बात को मैं तो कहूंगा कि फॉलो कीजिएगा अच्छे से, और अब वो तो बाकी इंडिविजुअल बच्चों पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि फॉलो कर लेना बिना किसी सोच और शंका के।
ठीक है, जैसे इंटू 20 कहा था, यहाँ पर साफ दिख रहा है क्योंकि इतना ध्यान रखा नहीं जाता, तो सीधे याद है, तो क्लियर हो गया। ये बहुत आसानी से 4 सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दीजिए 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 आंसर दीजिए फटाफट पोल में। अरे भूमि बच्चे नेट नहीं चल रहा, तो ट्राई कीजिए रिकनेक्ट करने की कोशिश कर लो, कनेक्ट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो बच्चे रिकॉर्डेड देखना। फिर सुमुख बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। हाँ सुमुख ये इजी वन टफ वन ना, शांत तो होके बैठे, ठीक है बहुत इजी था, ठीक हो गया खुश कटप्पा। और मुझे पता है यहाँ तलवार भी नहीं चल सकती, मैं अभी बहुत दूर हूं। तो ठीक है, ये देखिए लोटस और फ्लावर, दैट मींस ना यहाँ पर रिलेशन कैसा है ना, दाएं बाएं भी रिलेशन समझना, ठीक है। रिलेशन ये है कि इस कैटेगरी में ये चीज आती है, सेकंड की कैटेगरी में फर्स्ट चीज आती है, तो वुड की कैटेगरी में फर्नीचर आता है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा है, ठीक है। करेंसी की करेंसी कैटेगरी उसमें रियाल आती है, यस सर रियाल करेंसी है, तो ऑप्शन बी इज द राइट। अब बुक की कैटेगरी में, अब ये मत कहना कि बुक से कैसे फ्लावर बना होता है वाली बात थोड़ा ना, फ्लावर की कैटेगरी में लोटस है तो करेंसी की कैटेगरी में रियाल है, ओके है, ठीक है, क्लियर है बच्चों को सबको। चलिए वॉइस नहीं आ रही तो राज झा एक बार रिकनेक्ट कर ले मेरे बच्चे सेशन को। चलिए डू फास्ट कीजिए 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 कीजिए। वेलकम सुरेश, कीजिए कीजिए सारे बच्चे पार्टिसिपेट कीजिए फटाफट, मैंने टाइम दिया है आप लोगों के हिसाब से, मैं पोल 30 सेकंड 45 सेकंड और 60 सेकंड का रख रहा हूं, ठीक है। गुड विनय वेलकम, अमित सूरज, जितने भी बच्चे हैं ना बस आराम से बैठो, सुनो, चीजों को अच्छे से करो यार, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, तुम बसरते सीरियस हो तो। ठीक है, करेक्ट आंसर इज दिस। होता क्या है, बात को समझना सुनना, ये क्या है एस, जब भी ये चीज ऐसे देगा तो कुछ ना कुछ नंबरिंग का फेर होगा और यहां पर गुणा भाग ही कुछ होगा वाली बात है, तो आगे बढ़ जाते हैं। क्या है देखिए, एस 19, दिस वन 16, 15, 18, देखो कितने आसानी से लिख रहा हूं ना, इस चीज को फील कीजिएगा, ठीक है। 20, 19, ऐड किया 19 इंटू 2 38, 48, 58, ठीक है, 66, 76, 76 हो गया, 81, 91, और 91 6 से हो जाए 97 और 107। हाँ सर ये 107 था लेकिन यहां पर 20214 था, तो इतना तो पता होना चाहिए ये क्या है, डबल है, तो ठीक है इसको देखते हैं। S19, O15 सीधे सीधे जोड़ो, 19 और 15 24 और 34, 34 और 3 37, 37 और 9 ठीक है 40 और 46, 46 और 1 47, 47 और क्या हो गया आपके पास 12 हो गया 59। ये सीधे सीधे भी जोड़ना है, हां कोई बच्चा लिखेगा फिर जोड़ेगा वो नहीं, इंटू 2 करोगे 118। हाँ 118 ऑप्शन में है, यस है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, क्लियर हो गया, ओके है। ये क्वेश्चन हमेशा जब भी स्पोर्ट्स या बड़े से नंबर का कोई छोटे नंबर में 100 डेढ़ 200 के अराउंड लिखा हुआ मिल जाए तो यही समझना कि सारे नंबरों को लिखा गया है, कभी रिवर्स करके नंबरिंग, अब देखो कभी यही नंबरिंग रिवर्स करके भी लिखी जाती है, वो कैसे होती है एक क्वेश्चन में आपको यहां पर बता देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है, इसी में ये समझिएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन भी बार बार बना है, ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन नहीं बना, जैसे कि क्या है
इसका अपोजिट क्या हो गया, हाई होगा ना, हाई का होगा 8, इसके अपोजिट कुलदीप होगा, लाइट इसके अपोजिट 12 होगा, इसके अपोजिट इंडियन होगा, इसके अपोजिट गिव होगा, इसके अपोजिट हाई होगा, इसको सम करके भी बन सकता है, ठीक है। तो यहां पे भी जैसे सोशली होता तो सीधे सीधे रिपीट वाला भी रटा होना चाहिए और प्लस नंबर, इसके अपोजिट ऐसा आएगा हाई स्कूल, लाइट आएगा 24, क्रिसमस आ जाएगा, इंडियन के साथ रेलवे आ जाएगा, इसके साथ जेड आ जाएगा, इसके साथ लाइट के साथ ऑफ आ जाएगा। तो ये सम करके वो जो भी रिलेशन बनेगा वो बन सकता है, ऐसा नहीं है कि उसी नंबर का बनता है। अगर जैसे पहला लॉजिक मैंने लगाया था वो नहीं लगता, तो सेकंड ये लॉजिक लगाना, ये जरूर लगेगा, नहीं लगेगा तो फिर आगे देखते हैं। ठीक हो गया, क्लियर कट, किसी बच्चे को कोई डाउट है? मुस्कान, केवल नंबरिंग बेस्ड है बच्ची, और नंबरिंग करनी है, नंबरिंग का सम करके इंटू टू कर रखा है, ठीक है। मेरी तो कोशिश थी मैं 3-4 स्पेशल क्लास लगातार लूंगा 1-2-3 तारीख तक, हो नहीं पा रहा अभी, नेक्स्ट मंथ से तो कंटिन्यू ही चलेगा फिर सारी कोर्सेज, ना मंथ स्टार्टिंग का वेट ना मंथ क्लोज का वेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए निकालिए जरा, डू फास्ट। प्रांजल आज बहुत लेट आना हुआ है। ऑड वन में मैंने बोला है 3 का रिलेशन 1 बना लेना, गुड शुभम पंत। तो जैसे कि ये देखा ना, बहुत अच्छा था ये देखा, तो 19 × 2 = 38 प्लस 1 था, तो चलो आगे चलते हैं। एक लॉजिक मेरे माइंड में आया, ये इंटू 2 प्लस 3 था यार, ये तो देखते हैं फिर। 68 × 136 प्लस 1 ही था, और 37 × 74 प्लस 1 ही था, तो 3 लॉजिक इंटू 2 प्लस 1 वाले थे, एक ही इंटू 2 प्लस 3 वाला था, दैट मीन्स यही ऑड था, यही क्या था, ऑड था, क्लियर है, ठीक है। और जो एनालॉजी पार्ट 1 में थे, और जो प्लस वाले हैं शुभम, पूर्वी, सुमुख, सामन, क्या आपको कोई भी रैंडम टेबल का कितना मल्टीपल आना चाहिए? रैंडम किसी भी वैल्यू का अगर टेबल देखा जाए तो कितने तक आना चाहिए? आपसे कुछ बातें बोली गई हैं वो बता दो एक बार मुझे थोड़ी सी, ताकि सबको भी पता चल जाए कि हाँ वो वाकई को कहने के पीछे वजह थी या नहीं थी। डू फास्ट गाइज, आई एम वेटिंग कि आपको ये बताना है। नहीं, 20 और मोर तो वो तो ठीक है ना, मल्टीपल में कितना, इंटू कितने तक आने चाहिए, हर टेबल इंटू कितने कितने तक बोला वाली बात है, ठीक है। भूपेन का बोलना है 4 तक, बाकी 2, 3, 4, या करेक्ट, सुमुख का आंसर है 2, 3, 4। ये बातें मैंने हमेशा कही है कि किसी भी टेबल का 2, 3, 4 आना चाहिए, और ये पैटर्न आना चाहिए ना, तो आपके एनालॉजी में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व होंगे हर पेपर में, और तो छोड़िए, क्योंकि ये बात जो बोल रखी है वो डरते, यहां पर क्या ये है ना, 68 × 136, 37 × 74, 37 × 2 = 74, 68 × 2 = 136, ये वाली चीजें हैं, 25 × 2 = 50, ये चीजें आपकी कैलकुलेशन बढ़ाएंगी, आप इस चीज को ध्यान रख लेना, एनालॉजी तो छोड़ो, आपका मैथ तो इंप्रूव हो ही रहा, ठीक है, इस चीज को भी वेरीफाई कर दिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डू फास्ट। वेलकम समा, गुड 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 गुड। देखो ना है क्या, एम एन स्मॉल, यू वी स्मॉल, पी क्यू स्मॉल, और डी के साथ ई कैपिटल आ गया, तो यहीं से पैटर्न बिगड़ गया। अगर देखोगे, अगर सारे बच्चे पहले 2 स्मॉल में चल रहे हैं और यहां पर दूसरा ही कैपिटल में आ गया है, बाकी तो आगे देखने की ही जरूरत नहीं, तो यहीं से समझ में आ गया कि ये ऑड बन रहा है। अब आपकी मर्जी है, आप पूरा चेक करें या सीधे सीधे क्या करें, मार्क करें। तो आई इस बात समझ में,
पहले दो स्मॉल थे, तीसरा कैपिटल था, चौथा स्मॉल था वाली बात है, लेकिन यहां पर नहीं है ऐसी बातें, ठीक है ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो भी बच्चे प्लस पर आना चाहते हैं वो प्लस पर आ जाइए, क्योंकि फेब स्टार्टिंग में आ जाओ, मेरा कोर्स आ रहे हैं, फिर एक साथ जुड़ेंगे आगे बढ़ेंगे, जो बच्चे हैं वो सारे कोर्स देख लीजिए तब तक। चलिए निकालिए तो ऑड वन, वो इंसान कौन है जो तुरंत मार्क कर रहा है, एक बार मैं उससे मिलना ही चाहूंगा। हाँ वो जो है कौन है? गुड दीक्षा, जगदीश, शाबाश, पूर्वी, विवेक, सूरज, सुमुख, ठीक है आनंद, ठीक है कूल कूल कूल, आ रहे आंसर, ठीक है केके का भी आंसर आ गया, जो भी है केके है क्या? टिन, स्टील, टिन, एल्यूमिनियम और जिंक। तो बताइए जिसने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया उसने ऑप्शन क्यों सेलेक्ट किया ये बता दीजिए मुझे, बस प्लीज मेंशन कीजिए कमेंट में, जल्दी जल्दी मेंशन कीजिए ऐसा क्यों। एलॉय, ओके कूल, एलॉय एलॉय, ठीक है बिल्कुल सही बात है। स्टील क्या होता है? एलॉय होता है। अदर थ्री आज क्या है? मेटल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहां से हुआ? ये क्वेश्चन हो गया साइंस बैकग्राउंड से, केमिस्ट्री का, ठीक हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। चले यार इसका तो सारा 100% आंसर आना चाहिए ना, दिल टूट जाएगा मेरा तो 100% जिसने नहीं दिया, जिसने गलत दिया। दिल तोड़ना तो सर फितरत है हमारी, तुम चाह के भी कैसे मुस्कुरा लोगे? हम 36% है ना जिन्होंने ए मार्क किया है, हम लोग है ना, हम ही तो हैं जिन्होंने आपका दिल हम तोड़ते रहेंगे वाली बात है। तोड़ो यार, बहुत बढ़िया, ठीक है। 40% स्टूडेंट को दी रॉन्ग आंसर, और मैं आपसे कह सकता हूं कि आप लोग, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, आपको डांटते हुए बोलूं तो 2019 अगर किसी का टारगेट है ना बेटा, सीजल्ट अभी जो मार्च वाला है वो एक बार दोबारा सोच लेना, हाँ वो दोबारा ठंडे दिमाग से सोचना, क्योंकि हमारा जो मेरा मानना है वो ये मानना है कि फेव फर्स्ट अभी तक आपके 20 मॉक टेस्ट हो जाने चाहिए अगर आप सीजल 19 का पेपर देने के लिए तैयार है। पहली चीज 17, अच्छा ये बताना कि इसमें पहला लॉजिक लगाने के लिए क्या कहा है नंबर में, स्क्वायर क्यूब, ठीक है ये 17 का है, ये 18 का है, ये 21 का होगा तो यहां पर 22 का होगा, तो 22 के तो सर वैसे भी यूनिट में जिसको नहीं भी पता है ना, दो दुनी चार ही आएगा, नहीं भी मुझे याद है तो ये है, वैसे 22 का याद होगा सारे बच्चों को, तो कितना आ जाएगा सर 484 आ जाएगा, क्लियर है। एक बार बच्चे यस मेंशन कीजिए, सारे बच्चे इतनी खामोशी क्यों है, सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट है ना वाई मेंशन कीजिए फटाफट कमेंट में, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है जागो सब लोग, सो मत। चलिए ओके रिपोर्ट है, ठीक है कैलाश जी बहुत अच्छी बात है, मूव ओके, सारी कमांडे तो इधर ही से मिलने, कोई ओके रिपोर्ट की, कोई मूव की, और कोई कमांड है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए डू फास्ट। टेंशन मत लो, मेरी प्रोफाइल फॉलो करने वाले बच्चे इतना यकीन रखना कि आपकी 80% रीजनिंग में स्पेशल सेशन में करा दूंगा, बस कनेक्ट रहो, सारी वीडियोस को देखते रहो वाली बात है। बिल्कुल मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ बच्चे प्लस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है मैथ्स भी क्या, मैथ ही पढ़ाता हूँ मैं जनरली, ये आप लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, प्लस वालों का भी कोर्स रीजनिंग भी कवर हो, इसलिए -1 +2
ठीक है, माइनस थ्री प्लस फोर, आगे चेक करने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, माइनस वन प्लस टू माइनस थ्री प्लस फोर, एक आगे एक दो, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा जेड, जेड से ऑप्शन काटे दो, जेड के साथ पी आ गया था ना, माइनस एक के साथ प्लस दो हो गया, ठीक है यही देख लिया, अब माइनस तीन होगा, ये क्या है 14, 14 में माइनस तीन तो 11 और 11 होना चाहिए के, तो यहां पर तो एल था ना, ये कट गया, इतना ही चेक करके तीन स्टेप तक मैं आया ए एन एन तक का, मेरा ऑप्शन सी क्या हो गया, सही हो गया। इस अप्रोच में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। राज बच्चे, अगर आपको प्लस ज्वाइन करना है तो इस रेफरल कोड से प्लस ज्वाइन कर लीजिए, प्लस कोर्सेज में मेरा क्वांट में वहां पर टीच करता हूँ, स्पेशल सेशन में मैं आजकल रीजनिंग करा रहा हूँ कि ताकि बच्चों का जिनको अभी 19 पेपर देना है या रेलवे एनटीपीसी भी बच्चों को देना है तो उनकी तैयारी हो जाए करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डू फास्ट, वेलकम भावेश जी, भट्ट जी का लेट आना हुआ है, आदर्श आपका भी स्वागत है, निकालिए। ओनली 40% स्टूडेंट गॉट द करेक्ट आंसर टिल नाउ। संध्या बहुत टाइम लग रहा है भैया, ये ना मुस्कान बच्चे बहुत टाइम लग रहा है, ये जो आयुष है, विवेक है, सूरज मटपाल, मनराल, नॉट एक्सेप्टेबल है, ये जो आंसर सही आना, परवीन मेहरा, मुस्कान, अंजी, अंजलि, मोहम्मद जफर, स्वाति ठाकुर, ठीक है ठाकुर तो खैर अभी कनेक्ट हुई, तो ये इनका मैं तो आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ मेरी नजरों में आपको खुद आपकी टाइमिंग दिखा रहा होगा, 10 सेकेंड से प्लस जो है ना अभी बहुत मेहनत की जरूरत है, जो 10 सेकेंड से प्लस है बच्चों, ये मत कहना कि ये डांट क्यों रहा है, हमने तो सही आंसर दिया है, तुम्हें सही आंसर नहीं देना, तुम्हें नौकरी निकालनी है, ठीक है। और कंपटीशन की कहानी ही यही है कि तुम्हें दूसरों को पीछे छोड़ना है, तो दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए ना कहीं ऐसी उड़ान भरनी पड़ेगी ना कि दूसरा इर्द गिर्द नजर नहीं आए, ये बहुत ज्यादा कहा है। हाँ 10 सेकेंड और ओरिजिनल अगर जो मैं अपना स्टैंडर्ड सेट करूं, ठीक है, अब ये मत कहना कि तुम होते कौन है ऐसे स्टैंडर्ड बताने वाले, तो मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि इससे ज्यादा नहीं इस क्वेश्चन के लिए। क्यों, 9 × 3 = 27 प्लus 1, 28 × 3 = 84 प्लस 1 यानी इंटू 3 प्लस 1, 7 × 3 = 21 प्लस 1, 22 × 3 = 66 प्लस 1, ओके कूल डन, ठीक है। तो क्या था, इंटू 3 प्लस 1, फिर जो यहां से यहां पर आ गया है उसके बाद फिर से उसमें क्या हो रहा था, इंटू 3 और प्लस 1 हो रहा था। अब ये करने में फिर से कहा था, अभी इंटू टेबल 2 3 तो याद होने चाहिए, प्लस वाले बच्चों तुम बहुत सही टीचर से पढ़ लो, इतनी बात में बता रखी थी, ये फील भी कर लो वाली बात है, ठीक है। हाँ सर, इंटू 3 9 × 3 = 27 प्लस 1 हुआ, ठीक है, और यहां पर क्या हुआ, 28 × 3 = 84 प्लस 1 हुआ, ठीक है, 7 × 3 = 21 प्लस 1, 22 × 3 = 66 प्लस 1। चलिए सूरज मटवाल जल्दी जल्दी अपना लॉजिक बता दो, एक लॉजिक और कौन सा लग रहा है मेरे बच्चे, जल्दी बता दे फटाक से, मटवाल जी का लॉजिक, वाह 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 सलाम है तुम्हें यहां से, ठीक है, एक लॉजिक और लग रहा है, इंटू 9 प्लस 4, चलिए देखिए मटवाल जी का लॉजिक लगा के, ठीक है, पहले लॉजिक ने तो दिल खुश कर दिया, जो तुमने कहा ना इंटू 3 प्लस 1, बहुत बढ़िया बात बताई भैया, मतलब कह सकता हूं कि देश के कोने कोने में ना दिल खुश हुआ है, दो क्वेश्चन अगले सही आएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैथ की कैलकुलेशन बढ़ाओ, कुछ मत करो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डू फास्ट, वेलकम वेलकम आकाश, मोहम्मद आसिर, बिल्कुल बिल्कुल करो 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 फटाफट करो,
और मेरी प्रोफाइल को कुलदीप अपने को फॉलो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं रीजनिंग पूरी कराने वाला हूँ स्पेशल सेशन में। लेकिन जब बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ के आएंगे रेगुलर, मैं जैसे स्पेशल प्लस की तरह रिवीजन करवाता हूँ ना, यहाँ पे भी रिवीजन करा के ही कराऊंगा, ठीक है, ये वाली बात है। और जिसको प्लस में आना है ना बच्चों, ये हिमकुल क्लासेज 18 का रेफरल कोड है, ठीक है। कूल 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 कूल। चलिए, फूड और सेप का रिश्ता क्या है ना। हाँ, ये सेप खाना बनाता है फूड, तो ठीक है, पेंटर भी तो पेंटिंग बनाता है, पेंटर भी तो पेंटिंग बनाता है, ठीक है, और फार्मर तो फील्ड नहीं बनाता वाली बात है, ये तो गलती है। फिल्म प्रोड्यूसर, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हॉस्पिटल डॉक्टर, ये नहीं बनाता है, ठीक है। अब दो में लॉजिक क्या है ना, इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो फिसले हैं ना, तुमने सही सोचा कि खाना बनाता है सेफ, लेकिन ये देख लो ना, दूसरा वाला पहला बनाता है, सेकेंड वाला पहला बनाता है, तो पेंटिंग पेंटर नहीं बनाता, पेंटिंग पेंटर को नहीं बनाती है, दूसरा वाला पहले बनाता, तो पेंटिंग जो है वो पेंटर को नहीं बनाएगी कभी भी, ये गलत हो जाएगा। हाँ, फिर देखोगे तो प्रोड्यूसर दूसरा वाला पहले यानी सेकंड वाला क्या करेगा, फर्स्ट को। ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। CHSL डाला है तो मेरे प्लस कोर्सेज तो CHSL के लिए मोर देना, जब कोई बच्चा है जो प्लस पर जो तैयारी करता है, मोर देन इनफ होंगे मेरे कोर्सेज प्लस के, ठीक है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये कहने के पीछे इतने गर्व से, मतलब इतना कॉन्फिडेंस में कहने से पीछे बहुत रिसर्च है, इतना ध्यान रखना। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस मत समझना, बहुत सोच समझ के कहता हूं जो भी बात कहता हूं। तो गुड 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 गुड। बिल्कुल बिल्कुल जफर, बिल्कुल सही कह रहा बच्चे। वॉल ब्रिक, वॉल में लगती है ब्रिक, या ब्रिक से में बनती है वॉल, तो फैब्रिक बनता है, फैब्रिक बनता है बच्चों यार्न की वजह से। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वां। ठीक है, कैमल का हुडो हॉर्स की, ठीक है, ऑप्शन है आपके ये, जल्दी जल्दी पोस्ट कीजिए, डू फास्ट। अब फटाफट आगे बढ़ेंगे, हाँ ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे, क्वेश्चन बहुत हैं, मैं चाहूंगा हम लोग मैक्सिमम डिस्कस करें यार, नुकसान नहीं होना चाहिए, 1 घंटे की औसत भी तो आनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ा के क्या करूंगा, जब मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो मेटेरियल होना चाहिए ना बहुत सारा। और प्लस में भी मैं ऐसे एक एक क्वेश्चन को, मैं तुम्हें क्वेश्चन बनाना सिखा दूंगा, सॉल्व करना तो दूर की बात है। पूछ लो प्लस वाले बच्चों से, कोई जवाब मांग लो कि प्लस पर क्या सर क्वेश्चन बनाना सिखाते हैं या केवल करना ही करना सिखाते हैं, वो जवाब दे देंगे। ठीक है, कैमल हाउड और हॉर्स का क्या हो जाएगा बच्चों, हॉर्स का हो जाएगा करेक्ट आंसर सैडल, हॉर्स का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सैडल। चलिए, क्या कह रहे राज, कहां लेंगे क्लास, डाउट है क्या क्वालिटी में, कोई नहीं कोई नहीं, डाउट कर सकते हो तुम, डाउट का जवाब देने के लिए तो मैं हूं ना, तुम टेंशन मत लो बच्चे, जो डाउट है मुझसे पूछो, खुशी खुशी डाउट का जवाब देंगे। चलिए निकालिए जरा फटाफट, भैया मेरा तो एक मानना है, ठीक है, मैं तो साफ मानना कि मेरी मोहब्बत तो SSC है, मेरी मोहब्बत SSC और मेरी मंजिल CGL, ऐसे डायलॉग होने चाहिए मन के अंदर, किसी को सुनाने के लिए नहीं, खुद के लिए बस, और कोई वाली बात नहीं होनी चाहिए। 15 17 18 20 9 11 13 15 3 5, पूरा लिखने में कितना टाइम लगा है, 9, इसके बाद मैं जाऊंगा ही नहीं, 20 22 24 26, तो समझाने जैसी कोई चीज है ही नहीं,
पूरे में प्लस टू की सीक्वेंस चल रही है, जिन बच्चों का गलत भी आया ना, बस कमांड बनाओ इसको याद करने में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं बच्चे रोज नहीं होती, मैं आपको टेलीग्राम ये है यहाँ पर फॉलो कर लेना, वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चों का, आप भी बताना कि आप में से कोई है नहीं है, वो कहते हैं ना, ठीक है, वो कहते हैं ना कि सर हम लोग तो लिख लेंगे रफ सीट पर। कौन कहता है वो रफ सीट पर? आप में से कोई है तो यस मेंशन कर दीजिए कि सर हम लोग ना रफ सीट पर ए टू जेड की सीक्वेंस लिख लेंगे, याद क्या करनी है। ऐसी मेंटलिटी वाले हैं कोई? होंगे तो जरूर, मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, मैथ के टाइप अलग होते हैं, जरूर फिर ऐसा करूंगा। अभी स्पेशल सेशन मेरी प्रोफाइल पे मे भी होगा, मैथ होंगे एक दो, और नहीं भी होंगे तो आएंगे भी फैब में, तब जरूर देखना मेरे बच्चे राज, टेंशन मत लो। ठीक है, ये होते ना, ये चीज ना, बिल्कुल ये चीज दिमाग में छपी होनी चाहिए, हिसाब भी नहीं लगना चाहिए। वो जो हमने लिखाया था ना आपको सी एफ आई एल, ठीक है, ओ आर यू एक्स, वो आपको इनिशियल वो स्पार्क देने के लिए था कि हाँ इतना याद करो फिर आप प्लस माइनस वन करके चलोगे करके। ठीक है, वो स्पार्क देने के लिए था, नथिंग एल्स। मैं तो कहूंगा ये सारी चीजें हम शुरू कराते ना, ये आपके लिए स्पार्क होता है बस, एक मैं जो अपना मानना है। ठीक है, बिल्कुल पीसीएस एग्जाम की एक बात मैं कहता हूं, अभी उत्तराखंड एसीएफ का पेपर हुआ था, उत्तराखंड में असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का एक एग्जाम हुआ था, उसमें 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन कह सकते हैं कि बिल्कुल क्लासरूम से थे। अब ये कहना वाली बात है, लेकिन वो था। तो हाँ, तो इसका आंसर समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ए ही ऑड होगा। ठीक है, बिल्कुल सूरज, बिल्कुल नहीं लिखना, अब चीजें इंप्रूव करने के लिए ही तुम बने हो और तुम कर सकते हो। बच्चे रीजनिंग तो सबकी एक ही होती है, हाँ ये कहना गलत है कि इसकी नहीं होती उसकी नहीं होती, रीजनिंग सबकी एक ही है बच्चे। डू फास्ट बच्चे, फटाफट, स्क्वीक का रिलेशन है क्वैक से, ठीक है, एंड कैकल का रिलेशन है आपका क्रॉक से। ठीक है, डू फास्ट, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम कम है, तो बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने, कोई नहीं इनकी हिंदी मीनिंग सब देख लीजिएगा। चलिए इस वाले जरा क्वेश्चन को करके दिखाना, फटाफट कीजिए, जब तक पोल आता है फटाफट कीजिए। और एक चीज का क्या ध्यान रखना, बिल्कुल साउंड है बच्चे, ये एसएससी प्लेटफॉर्म पर आप अभी जो क्लासे ले रहे हैं जोगेंद्र, वो एसएससी प्लेटफॉर्म पर है। ठीक है, और मैं आपसे कहता हूं आपको अगर एसएससी प्लेटफॉर्म से आप तैयारी करते हैं, जो डीआरडीओ एमटीएस आया है वो कंप्लीट आपका 100% तैयार हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, चलो इसका आंसर निकालो। ठीक है, आपकी कोई क्वेरी होगी तो अभी आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सारे कॉन्टेक्ट नंबर एंड ऑल दे दूंगा अपनी टीम के, जो आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी निकाल लो। देखो ये है टेलीग्राम ग्रुप, जो फ्यूचर में भी मेरी क्लासेस लाइव देखना चाहेगा ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ज्यादा बहुत ज्यादा ऑनलाइन मटेरियल कुछ नहीं आता, काम की चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए निकालिए निकालिए निकालिए। ठीक है, ये तो नंबरिंग ही है। अरे जुगेंद्र क्या बताइए क्या बताइए, कह रहे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना, अभी आप जो क्लासेस ले रहे हो एसएससी प्लेटफॉर्म पर ले रहे हो, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। इसको एक बात ध्यान रखना, यहां पर जो भी नंबरिंग होगी ना, जो निकालना है वहां से नंबरिंग आगे क्या बनेगी ये ध्यान है। जैसे आप यहां से आगे देखोगे ना प्लस में, तो वो ध्यान में रखना, वो चीज यहां पर उल्टा माइनस में अप्लाई होगी, क्योंकि यहां पर थर्ड पोर्शन वाला एमटी है, वो ध्यान रखना कि उससे बनेंगे आगे जाके सारी चीजें, उस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डू फास्ट, ठीक है जुगेन, आपका डाउट या तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, या मैं आपको, मैं ये कह रहा हूं कि ये एसएससी प्लेटफॉर्म की क्लासेज हैं जिसमें अभी आप हो, लेकिन रीजनिंग सबकी सेम होती है बच्चे। गुड गुड, ब्रिक से हाउस, ट्विक से नेस्ट, ट्विक से फॉर्मेशन,
नेस्ट, घोंसला। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे ओवर करने से पहले। इसका निकालिए, फटाफट निकालिए, जरा लॉजिक लगाइए। वेलकम भाई अहमद जी, डू फास्ट। ओनली 50% स्टूडेंट गिव द करेक्ट आंसर। वो वाकई सोचने की वजह है मेरे भाई लोग, अगर आप इतना वीक कर रहे हैं स्कोर ना, तो उसकी मैं एक बात बोलता हूं आपसे कि आपको इंप्रूव ना खुद पे करना है वाली बात, आपको चीजें मैं बता रहा हूं उनको फॉलो करना। ठीक है, अब तो अहमद जी कुछ ज्यादा ही लेट हो गए, 1 आवर की क्लास तो 8 to 9 थी और अब तो 9 हो गए हैं। ठीक है, मैं पोल भी आप सब लोगों को, 41% स्टूडेंट गिव द करेक्ट आंसर, मैं पोल आप लोगों के सामने, हाँ ये देखिए, ये है पोल अभी का, सूरज मजपाल इन ऑन टॉप, विवेक एंड अंजलि दीक्षित ऑन थर्ड नंबर, बाकी आपने देखा होगा। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, ये क्या है, ये सर 36 का 2 टाइम है, ये क्या है 36 into 3 है, दैट मींस यहां पर जो सीक्वेंस चल रही वो किसी का इंटू 2 और किसी का इंटू 3 है, तो 18 दुनी 36 के साथ 54 आता है, 38 के साथ 57 आता है नहीं, ये क्या है 46 दुनी 92 और 46 इतना होता नहीं। ठीक है, 42 दुनी 84, 42 3 100, यस दिस इज 42 into 2 84 एंड 42 into 3 बराबर 126, यानी दिस इज दी। और फिर से देख लो बच्चों, प्लस वाले कॉन्फिडेंट होके करना, इंटू 2 into 3 बड़े नंबर्स का आया है और करने में आपको आसानी रही होगी। ठीक है, आपको ये भी कह सकता है कि सर ये 12 into 6 है और ये 12 into 9 है, ऐसा भी कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। जिसको ये टेबल याद है वो कहेगा सर 14 into 6 है और ये 14 into 9 है, आंसर यही है उसका। ठीक है, तो चलिए ठीक है, एक चीज देख लीजिए सारे बच्चे, जिसको भी कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो ना, जो भी कोर्सेज में प्लस में आना चाहिए उस बच्चे के लिए तो ये रेफरल कोड है ही, और जाते समय अभी जब क्लास से विदा लोगे ना, तो आपको लाइक डिसलाइक का ऑप्शन आएगा, तो उम्मीद करता हूँ ये तो, उसके बाद ये चार जो ये होते हैं ना, चार ऑप्शन आते हैं कि टीचिंग स्टाइल, कोर्स कंटेंट, बैकग्राउंड एंड ऑल, आई थिंक यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा, तो इसको दबाते हुए जाना, 10 सेकंड में कोई फर्क नहीं पड़ता सारी चीजें। और जो बच्चे लगातार सेशन लेना चाहें वो इस प्रोफाइल को तो फॉलो कर लीजिए, आप सब लोग अभी जाने से पहले, मुझे लगता नहीं कि सब लोग, क्योंकि आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, और इस टेलीग्राम चैनल है, ज्यादा कोई यहाँ पर आपको कंटेंट ज्यादा नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको कोई भी बात मुझसे डिस्कस करनी है तो आपकी हर बात मुझ तक पहुंच जाएगी, किसी को प्लस लेने से पहले भी डिस्कस करना है ना, क्या अच्छा क्या बुरा। ठीक है, या यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट फॉर प्लस टू अवर टीम ऑन दिस नंबर। ठीक है, चलिए किसी बच्चे को कोई क्वेरी कोई डाउट है तो जल्दी बताइए, ऑल ओके है, प्लस वाले बच्चे इस पे आ जाना, और मैं आपको बोलता हूँ कि नेक्स्ट 3-4 डेज में मेरा न्यू कोर्सेज लॉन्च होंगे, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से तब। जनवरी खत्म हुआ हर्षोल्लास के साथ, उम्मीद करते हैं प्यार का महीना फरवरी आपकी जिंदगी में यादगार लम्हे लेके आएगा और आपको आपकी मोहब्बत नौकरी से जरूर मिलाएगा। ठीक है, जुगेंद्र आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आपको सारी डिटेल बच्चे सेंड कर दी जाएंगी, सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए ओके, विदा लेते हैं आप लोगों से, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, हंसिए मुस्कुराइए, खूब अच्छे से पढ़िए, बाय बाय गाइस, टेक केयर।